हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक, आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट अवेटेड हमारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पीछे के सवाल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या बताना, अब नॉर्मली हमारे जितने भी बुक्स है अलग अलग, जैसे चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डीके गोयल की बुक हो, आप उनके जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हो तो उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं ना, उनके तो आपको वहां पर सोल्यूशन भी दे रखे होते हैं, ट्यूशन भी होता है, उसका सोल्यूशन भी आपको वहां पर शो करा हुआ होता है, जिसको आप आसानी से समझते हुए कि देखो ये आंसर आया है, कैसे आया है, इस आइटम को यहाँ पर शो किया है और इस आइटम को यहाँ पर शो किया है, और आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट आप बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पीछे के सवालों की, जब आप बुक के जो पन्ने पलटते हैं और जब चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर एंड होने के बाद में लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में शायद आप में से कुछ हमारे दोस्तों की हल्की फुल्की हवा टाइट हो जाती होगी। हम सोचते होंगे कि भाई वहां पर क्वेश्चन तो दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है ये आपको दोस्तों नहीं बताया हुआ है। उसी के लिए हम आप आज के लिए लेकर आए हैं हमारे पीछे के सवाल सीरीज। इस पीछे के सवाल सीरीज के अंदर दोस्तों हम हमारे टीएस ग्रेवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं, पहला जो चैप्टर लेंगे वो अपन ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आज उसी का एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हम अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। टोटल अगर आप यहाँ पर बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पीछे दे रखे टीएस ग्रेवाल की बुक में, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से आज एक सवाल अपन हमारे से छोटे से सेशन के अंदर करने वाले हैं। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, उन एक एक क्वेश्चन के आपको एक एक वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे, सब में ये बात सिमिलर होगी। एक क्वेश्चन जो आज का होगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल के ऊपर आपको देखो इधर कहां पर, ये इधर इस साइड के अंदर शो हो रखा है, जिस पर लिखा हुआ है आज अपन कौन सा करेंगे, पीछे के सवाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रखा है आपको, ठीक है। तो ये सवाल आप कर रहे हैं, इस सवाल को अपन को कौन सा आइटम कहां पर शो करना है, कैसे उसका आंसर आ रहा है, कहां कहां आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कहां आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर नहीं 45 तक, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक आपके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना। जब हमने सीरीज का नाम ही रख दिया है पीछे के सवाल, तो सवालों की शुरुआत भी पीछे से की जाएगी। पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 57 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में 56, 55, 54, यू करते करते हमारे डेली सेशन जो लगेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप उसकी थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इधर इधर के साइड में यहाँ पर पेश हो रखी है, तो वो क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक, हमारा चैनल है अकाउंट अड्डा और कॉमर्स 365, जहाँ हमारी डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा, टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स 365 नाम से और है अकाउंट अड्डा नाम से। आपके जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के नोटिफिकेशन, उनके अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आपको शायद हो सकता है इंडिया के और भी यूट्यूब चैनल यूट्यूबर्स हैं जो आपको शायद क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पीछे के सवाल भी लाइव प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करवा रहा है। मैं आपके करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है, और उसी सीरीज का पार्ट आज का ये आपका एक वीडियो। अनअकैडमी दोस्तों जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने पेश हूँ इस सीरीज को लेते हुए। तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर डाउनलोड किया हुआ है तो मेरी प्रोफाइल पर जाना सचिन पारिक SP, आपको यह वीडियोस, आपको ये जो क्वेश्चंस है वहां पर भी मिल जाएंगे। बस मेरा नाम सर्च कर लेना सचिन पारिक, आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे कोड पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों कोड एंटर कर दीजिएगा सचिन SP, SACHIN SP दोस्तों आप वहां पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है लेकिन आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा Accounts BFF, ये कोड भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोड यूज कीजिएगा, फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर भी और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। दोस्तों आप अपने कंफर्ट से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है।
आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और फुल सिलेबस का कवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और बैच कोर्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खूब सारे एजुकेटर्स दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ लो, प्लान सर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, रोहित सर से पढ़ लो, सिद्धांत सर से पढ़ लो, आपके रजत सर से, मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है ना आपके, आपको जो पसंद आए उन सर से आप दोस्तों वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वो भी टॉप एजुकेटर्स। आपको डाउट सॉल्विंग भी होती है, सिलेबस का भी वो फुल कवरेज करवाते हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। फ्री में भी देखो मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो वहां पर क्या फील आएगा। एक मिली सेकंड का भी डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस कक्षा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट सद्दा में एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स में, जहां आपको सारे क्वेश्चंस एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट और लाइव टेस्ट सीरीज का तो फायदा ही अलग ही है। तो कैसे लेना है ये रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन करना और सेलेक्ट करना अपना गोल। क्लास 11th या क्लास 12th सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, 100 प्लस कोर्स यहां पर दोस्तों अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, मिलने वालों को भी इसके साथ शेयर करना। कोई भी क्लास को अटेंड करो, कोड पूछे तो लगा देना सचिन एसपी। दोस्तों प्लस के अंदर आपको पेड क्लासेस मिलती है, जहां आपको सब्सक्रिप्शन एक, फायदे अनेक होते हैं। फ्री वाले सेक्शन के अंदर फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। मुझे ढूंढना है तो फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको दोस्तों वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाना या फिर पेड क्लासेस में जाना, और किसके ऊपर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि अपने को चाहिए रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन प्लस और आइकोनिक। जो पसंद आए वो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, आपको वहां पर लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। आइकोनिक में आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील, जहां सारे बेनिफिट्स प्लस के, पर्सनल मेंटर, डाउट सॉल्विंग और पेरेंट कनेक्ट्स के भी फीचर आपको मिलते हैं। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप पर जुड़े और सब्सक्रिप्शन ले लें। वन मंथ की जो प्राइस है काफी कॉस्टली है, साफ साफ मुंह से बोलूंगा 4,500 रुपीज पर मंथ है। लेकिन 12 मंथ की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में कोई कम्पीट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर 15,000 रुपीज, यानी कि 1,250 रुपीज पर मंथ ओनली। इसके ऊपर भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं सचिन एसपी या फिर आपका नया कोड अकाउंट्स BFF, तो आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट, प्राइस हो जाती है 13,500 रुपीस ओनली। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी चाहिए, वो भी प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ, तो ले लीजिए आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है 12 मंथ की सिर्फ 28,000 रुपीस पर्सनल कोचिंग के फीचर के साथ। आज ही दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, प्रीफर्ड मेथड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कैश में भी ICICI बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। और अनअकैडमी के जो कॉम्बेट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जहां वीकली बेसिस पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को करोड़ों के प्राइज अवेलेबल करवाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होते हैं, ये मैंने आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले सुना था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होता है, लेकिन अनअकैडमी के पर ये वीकली बेसिस पर होते हैं। करोड़ों रुपए के प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11 12th के लिए होने वाला है 4th of July को, दोपहर 1 बजे, जरूर ज्वाइन करें। कोड एंटर कर देना सचिन एसपी एनरोलमेंट करने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड एक ध्यान रखना सचिन एसपी 10%, और ये कोड है जो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने में आपको हेल्प करता है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पीछे के सवाल सीरीज हमारी चल रही है। तो पीछे के सवाल अपन कर रहे हैं, हमारा मुद्दा, हमारा मेन जो लक्ष्य है, हमारा मेन जो पर्पस है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि 100 out of 100 लाने से आपको अकाउंटेंसी में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों सारे क्लासेस देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पेश करता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। हमने हमारे पिछले सेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 54 किया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें अपन दो तीन चीजें सीखी थी। एक तो म्युनिसिपल टैक्स वाला अपन एडजस्टमेंट करना सीखा था, जिसमें शायद आप काफी कंफ्यूज होते होंगे। एक अपन ने यहाँ पर इस प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स का भी अपन ने एडजस्टमेंट जो किया था। ठीक है, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग था या फिर जो भी था, उन सबका अपन ने ट्रीटमेंट यहाँ पर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अभी इस सेशन के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 53, जैसा कि हमारी सीरीज का नाम है पीछे के सवाल, तो सवाल भी अपन दोस्तों पीछे से ही शुरू कर रहे हैं। 53 वाला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक
हेलो नमस्कार दोस्तों, अच्छे से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 ऑफ टीएस ग्रेवाल की बुक आपके सामने पेश है। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपका स्टेप होता है इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्या बोल रहे हैं कि रिसीप्ट से पेमेंट अकाउंट दे रखा है जो कैश बुक से आपने बनाया है दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ध्यान रखना इतने सारे सवालों के अंदर, इतने सारे पीछे के सवालों के अंदर अपन कर रहे थे साल था 2021, इस बार साल 2020। कंफ्यूज मत हो जाना, तो ध्यान रखना कि जो हमारा करंट ईयर कौन सा है 2020 वाला, 19-20 मान के चल सकते हो, ठीक है। रिसीप्ट से पेमेंट अकाउंट दे रखा है, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है आपके सामने। दोस्तों सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस भी आप इसको अच्छे जानते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है जो आपके सामने दो अमाउंट दे रखे हैं, एक तो कैश इन हैंड और एक दे रखा है कैश एट बैंक। आपको इन दोनों की टोटल भी करके दिखा सकते हो या फिर आप इन दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हो। ये दोनों के दोनों क्या है आपके लिए ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद बात करें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे रखा है, डोनेशन का अमाउंट दे रखा है। दोनों को दोस्तों अपन जानते हैं एक तरीके से रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, ठीक है। क्या बता रहे हो, एक सेकेंड, 2020 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ कैसे इनका क्यों हो नहीं सकता है? अच्छा बोले रियल लाइफ में चल रहे हो क्या? रियल लाइफ में आपको यहाँ पर रिसीप्ट से पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2020 का, आपको 19-20 का बनाना। 19-20 का कोरोना तो 20 की स्टार्टिंग में आया था, जनवरी के आसपास आया था, नहीं जनवरी नहीं पर मार्च के आसपास आया था 2020 में, तब तक तो हो गया था उनका साल पूरा। सर प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड फॉर एमपीओ, प्रैक्टिस शीट मतलब क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी क्लास होने के बाद, आप इसी सेक्शन में देखना आपको मिल जाएगी। प्रोफाइल को फॉलो किया कि नहीं किया कर लेना, ठीक है ना। डोनेशन सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का आइटम है। लेजेसी डोनेशन दोस्तों आप सभी से मेरा सवाल है कि लेजेसी डोनेशन कैपिटल नेचर के होते हैं या फिर रेवेन्यू नेचर के होते हैं, आप मुझे बताइए। लेजेसी डोनेशन आपके लिए कैपिटल नेचर का आइटम होता है या फिर रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है? दोस्तों आपका यहाँ पर जवाब होना चाहिए नो सर फॉर डिफरेंट बुक्स क्वेश्चन इंपोर्टेंट, मतलब समझा नहीं। अच्छा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो आपको करने चाहिए, वो वाली शीट, मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ पर लाइव करवा रहा हूँ शीट से क्या करोगे, मैं आपको बताऊंगा यही इंपोर्टेंट है पढ़ लो, इससे चलो सारे क्वेश्चन पढ़ लो उनसे बाहर कुछ नहीं। आपको अकेले पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपको अकेले पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, डेली लाइव क्लास आती है, सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है ना। कीर्ति जी बोल रहे हैं कि बहुत अगर कुछ मेंशन नहीं है तो रेवेन्यू, मेंशन है तो कैपिटल, बिल्कुल सही जवाब है कि जो लेजेसी डोनेशंस होते हैं, जो लेजेसी होती है ना वो आपके लिए दोनों हो सकती है, कैपिटल नेचर का आइटम भी हो सकता है और रेवेन्यू नेचर का भी आइटम हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने यहाँ पर आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, पर्पस डिफाइंड होता है, तब तो कैपिटल नेचर, पर्पस नहीं दे रखा होता तो होता है रेवेन्यू नेचर का आइटम। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू नेचर का आइटम है। आपने ओल्ड न्यूज़पेपर को सोल्व किया तो ये भी आपके लिए रेवेन्यू नेचर का ही आइटम। चैरिटी आपके लिए एक एक्सपेंस हो गया, रेंट एंड टैक्सेस भी एक्सपेंस हो गया, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, यहां तक सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आपके सामने हो चुके हैं। फर्नीचर आपने परचेज किया, इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया, कैपिटल नेचर के आइटम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपने एक तरीके से क्या किया है, एसेट परचेज करो। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये भी आसान सा सवाल ही दिख रहा है मेरे को। अपन देखते हैं लिखा हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ 31 मार्च 2020 का, बैलेंस शीट भी बनाओ उसी तारीख को आपके सामने आओ जो डिटेल्स वो दे रखी है। सबसे पहले बोल रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन WEF 1 जुलाई 2019, आपको बोल रहा है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपने पे किया है फॉर इंश्योरेंस, जो आपने इंश्योरेंस लिया है कब, 1 जुलाई 2019 को जो आपने इंश्योरेंस लिया ना, आपने उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, तो बहुत बढ़िया बात है। आपने इंश्योरेंस 1 जुलाई 2019 को लिया होगा, कितने का लिया होगा पता नहीं, जितना का भी लिया होगा पता नहीं, लेकिन जो इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम होता है उसको आप दोस्तों क्या मानकर चलते हैं मेरे को बताओ। हेलो नमस्कार भाई साहब, वेरी गुड इवनिंग। इंश्योरेंस के प्रीमियम को अपन कौन से नेचर का आइटम मानते हैं, रेवेन्यू या कैपिटल? बिल्कुल सही, रेवेन्यू नेचर का आइटम इसको मान के चलते हैं, एक्सपेंस होता है, तो आपको यहाँ पर इस लाइन से ज्यादा कुछ ऐसे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको कुछ मतलब है क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन 1 जुलाई 2019, मेरे हिसाब से इसका कुछ भी आपको नहीं करना, नहीं करना ना। चलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 अक्रूड वॉज नॉट रिसीव्ड, आपको दोस्तों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 11,000 रुपए जो आपके अक्रूड हो गया है लेकिन आपको वो पैसा नहीं मिला है। कोई बात नहीं, दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर, कौन सी वाली में, क्लोजिंग वाली में।
रेंट आपको दे रखा दोस्तों यहाँ पर आपको कितना रेंट आपके सामने दिया हुआ है 6,000 रुपीज, सैलरी 9,000 रुपीज और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000 पर आउटस्टैंडिंग होने की 2020। यानी कि आपके बोला कि एक तो रेंट हो गया, कहाँ हो गया रेंट, एक तो रेंट हो गया, एक आपके सामने सैलरी हो गया और एक आपके सामने एडवर्टाइजमेंट हो गया। जो भी आपने पे किया है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पैसा आपके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा। रेंट की बात करें तो 32,000 का आपने पेमेंट कर दिया 32,000, लेकिन 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आपने सैलरी पे कर दी 60,000, लेकिन अभी भी 9,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है। एडवर्टाइजमेंट के आपने पैसे जो भी दिए हैं 45, उसमें से अभी भी 10,000 रुपीज आपके बाकी है, जो इसके अंदर क्या हो जाएंगे एड होते हुए चल जाएंगे। आउटस्टैंडिंग है ना, तो कैश का पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग तभी तो जाकर आपके लिए रियल एक्सपेंस सामने आता है। ये भी दोस्तों अपन कर लेंगे। लेजेसी डोनेशन, फोर्थ नंबर का पढ़ो क्या लिखा हुआ, नॉइस आ रहा है क्या दोस्तों? नॉइस नहीं आ रहा। लेजेसी डोनेशन इज टॉवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बुक। देखो दोस्तों आप अच्छे से देख पा रहे हो कि लेजेसी डोनेशन है वो आपके सामने है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, लेजेसी का जो पर्पस है वो आपको डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब लेजेसी को अपन कैपिटल नेचर का आइटम मानकर चले। कैसे पता चला, कुछ भी अगर आपको नहीं दे रखा होता है इन्फॉर्मेशन तब तो इसको अपन रेवेन्यू मानते हैं, लेकिन जब आपको साफ साफ इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये क्या है, एक स्पेशल पर्पस के लिए है, तो आप उसे कैपिटल नेचर का ही आइटम मानते हैं। स्पेशल पर्पस के लिए तो अगर सब्सक्रिप्शन या डोनेशन भी हो जाए ना तो उसको भी कैपिटल नेचर का ही मानकर चलते हैं, बल्कि ये तो लेजेसी है, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। हाँ मतलब बोल सकते हो आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो लेजेसी डोनेशन है ना ये कैपिटल नेचर की इनकम अपन मानकर चले। बिल्डिंग बनाने का कहीं पर भी नहीं बोला हुआ, अभी आपने एक्सपेंस नहीं किया है, ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए बस ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, करना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दोस्तों सबसे पहले अपन इनकम साइड के अंदर शो करते हैं। बाई में दोस्तों सबसे पहले क्या लिखा, सबसे ऊपर टू डोनेशन लिखा हुआ है, यानी कि बाई डोनेशन दोस्तों अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। डोनेशन से कितना पैसा आ रहा है, डोनेशन से आपके सामने पैसा आ रहा है 90,000। मेरे को लग रहा है ये भी क्वेश्चन आसान ही है, आसान है तो क्या हुआ, करेंगे जरूर, ठीक है। डोनेशन का पैसा अपने दिखा दिया। टू सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपके लिख रखा है 4,28,000। पूरा सवाल मैंने पढ़ लिया, पूरा सवाल मैंने पढ़ लिया, लेकिन सब्सक्रिप्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी, दे रखी है कहीं पर? ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, एडवांस कहीं पर दे रखा है क्या? कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन का जो भी पैसा मिला है वो करंट ईयर का ही आपको मानकर चलना है। 4,28,000 कितना, 4,28,000, क्योंकि कहीं पर भी एडवांस आउटस्टैंडिंग या फिर आपके सामने ओपनिंग क्लोजिंग की बात जो नहीं दे रखी है, मैं लिख देता हूं बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात करें लेजेसी डोनेशन कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में ट्रीट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000 अपन बाई की साइड में शो कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। चलो अक्रूड वाली बात है क्या कुछ, अक्रूड हाँ लिखा हुआ, देखो ये रहा सेकंड नंबर की लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 अक्रूड बट नॉट रिसीव, यानी कि आप जो अमाउंट है वो 45,000 आप शो नहीं करेंगे, आप बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर 45,000 एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल भी मत लिखना। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ पेन है और ये कुछ लिखने का अपने पास आइटम है, तो ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है। अगर पेन हो और सामने कॉपी हो तो पूरा एकदम चमा चमा के राइटिंग से एकदम फुल लिखेंगे, वो सही रहेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना, सही में एग्जाम में गलत निकाल देगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 आपको रिसीव हो गया, प्लस 11,000 आपके अक्रूड है जो आपको मिला नहीं। 45 और 11 कितना हो जाता है 56,000 आपके सामने दोस्तों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सही बताओ ना ईमानदारी से, तो ये सवाल मैं पहली बार कर रहा हूँ आपके सामने, ऐसा नहीं कि मैंने पहले किया हुआ है या फिर सोल्व किया हुआ, कुछ भी नहीं, पहली बार आपके सामने कर रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, सारे क्वेश्चन जितने पेपर ने किए ना आपको, ठीक है, तो मैं यही मान के चलता हूँ बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, आगे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं सामने सवाल है, इसको करना है बस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 2,000 रुपीज ये भी दिखा दो। सर आपको कौन सी बुक थी 12th अकाउंट में, कीर्ति वर्मा जी हमारे, सही बताओ ना, तो मैं राजस्थान बोर्ड से हूँ और हमारे राजस्थान बोर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक है ना वही हमारे थी, वो भी हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। तो अपन भाई दिखा देते हैं भाई की साइड में, फिर भी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश वाला सॉल्व करवा रहा हूँ। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर,
सेल ऑफ कॉपी लिख रहा हूँ, कॉपी ओल्ड न्यूज़पेपर, ओएनपी ओल्ड न्यूज़पेपर। आपको सारे सवाल कैसे आ जाते हैं डायरेक्ट वो ना बताऊँ कैसे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आइटम को कैसे कहाँ ट्रीट करना है। मैं सही बता रहा हूँ मेरे को नहीं पता, लेकिन आप मेरे सामने कोई क्वेश्चन लेकर आ जाना एनपीओ का, जो असली क्वेश्चन होना चाहिए, असली क्वेश्चन होना चाहिए एनपीओ का एकदम सही। आप मेरे सामने लेकर आ जाओ जो मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरी तरीके से एकदम अच्छे से सोल्व करने, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है तो कंसेप्ट क्लियरेंस और उसके बाद में प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बस इसके अलावा कुछ भी। ठीक है, पार्टनरशिप का ला सकते हैं क्या, क्या मतलब पार्टनरशिप का क्या ला सकते हैं, ट्यूशन मुझे करवाने के लिए, मेरे टेस्ट लेने के लिए, हाँ ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं कर सकते हैं पार्टनरशिप का। ठीक है, सेल ऑफ होल्ड न्यूज़पेपर अपने दिखा दिया, फिर अपन दोस्तों एक्सपेंस साइड में चलते हैं, पार्टनरशिप का अभी नहीं, इन सेशंस के अंदर नहीं ला सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कर नहीं पाएंगे अपन, एनपीओ चल रहा है ना अभी, तो बाकी के लोग डांटेंगे लड़ेंगे हमसे, युद्ध हो जाएगा यहाँ पर, हाँ कमाल शान। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इनकम की तो बात नहीं थी ना, इनकम की बात कुछ भी नहीं थी। ठीक है, चैरिटी का दोस्तों आपने अपना एक्सपेंस क्या है, 1,15,000 रुपए दिखा दो एक्सपेंडिचर्स के साइड में, टू सी मतलब चैरिटी लिख रहा हूँ, सी एच मतलब चैरिटी में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चल रहे हैं 1,15,000। ठीक है, 1,15,000, 1,2,3। उसके बाद में बात करें रेंट एंड टैक्स की, बात करें तो अमाउंट कितना है, 32,000 आपने पे कर दिया रेंट एंड टैक्स का। आप देखें टू के अंदर रेंट एंड टैक्स दोस्तों अपन लिखते हैं, कितना पेमेंट कर दिया अपन ने, 32,000 रुपीज दोस्तों आपने पे कर दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3 बोलती है कि रेंट का 6,000 रुपए अभी भी बाकी है, यानी कि प्लस करते हैं इसके अंदर आउटस्टैंडिंग वाला 6,000, 38,000 रुपीज आपके रेंट का जो एक्सपेंस है वो हो जाएगा, कितना 38,000। बाद में आगे बात करें रेंट के, तो रेंट के बाद में लिखा हुआ सैलरी, सैलरी का पैसा दिया आपने 60,000, सैलरी का जो पैसा है वो आपने पे किया है 60,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3 बोलती है एनपीओ क्या, अच्छा हाँ एनपीओ, ओहो सब्सक्रिप्शन ले रखे हमारे दोस्त, सब्सक्राइब वाले आ रहे हैं, आइकोनी का प्लस है बता दीजिएगा, हमारे भी डेली क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। सैलरी दोस्तों 60,000, अपन पीछे के सवाल कर रहे हैं, हमारा जो एनपीओ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो पीछे के सवाल है टीएस ग्रेवाल की बुक है जिसका फिर आपको आंसर दे रखा है, उसको करना कैसे है वो हम करेंगे यहाँ पर हमारे साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है पीछे से कर रहे हैं 57, 56, 55, 54 हमारा हो चुका है। ठीक है, 60,000 सैलरी का दोस्तों अपने पे कर दिया, 9,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी सैलरी का जो एक्सपेंस वो कितना हो जाएगा 69,000 आपके हो जाएगा। 9,000 वाला कहाँ लिखा हुआ है, आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करें सैलरी के बाद में लिखा हुआ है प्रिंटिंग का पैसा 6,000 रुपए, पोस्टेज का पैसा 3,000 रुपए, इन दोनों को एक साथ दिखा दूं क्या, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज को, आप तो एग्जाम में अलग अलग दिखाना, मैं एक साथ दिखा रहा हूँ, 6 और 3 कितने होते हैं 9,000 होते हैं। ठीक है ना, मैं एक साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक साथ काम हो जाए, टू प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, आप अलग अलग दिखाना, आप अलग अलग दिखाना 6,000 और 3,000, ये भी हो गया। एडवर्टाइजमेंट की आपने दोस्तों 45,000 रुपए पे किए हैं, टू एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 45,000 रुपीज दोस्तों आपने पे किए हैं, जिसमें से इसमें अभी भी 10,000 रुपीज आपके बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग है, टोटल पैसा कितना 55,000 रुपीज आपके टोटल इसका अमाउंट है जो हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। इंश्योरेंस की बात करें तो आपने इंश्योरेंस के लिए कितने पैसे दिए हैं, 20,000 रुपए दिए इंश्योरेंस प्रीमियम के, दिखा दो टू इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको अगर इंश्योरेंस प्रीमियम को रेवेन्यू मान के चलना, अगर कह देना कि इंश्योरेंस को कैपिटलाइजेशन का एक्सपेंस मानना है तो अपन सोचते, लेकिन कुछ भी नहीं देगा तो 20,000 रुपीज इंश्योरेंस का प्रीमियम मानकर चले, जैसे अपन पार्टनरशिप में आपके चलो नहीं होगा छोड़ो इसको। इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस की लाइन दे रखी थी, इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया गया है इंश्योरेंस है जो 1 जुलाई को आपने लिया, ठीक है कोई बात। फर्नीचर दोस्तों आपने फर्नीचर के लिए आपने खरीदा है 2,16,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे 2,30,000 के, ये दोनों कैपिटलाइजेशन के आइटम हो गया हमारे, रिसीप्ट अकाउंट हो गया, रिसीप्ट साइड वो भी पूरी, पेमेंट साइड भी हो गई आपकी पूरी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 हो गई, 3 भी हो गई और 4 वाली तो कैपिटलाइजेशन का है, हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है। फटाफट से इसकी दोस्तों आप क्या कर लो, जोड़ कर फटाफट से दोस्तों आप सभी क्या कर लीजिए, इसकी जोड़ है जो कर लीजिए। अपन बात करें हमारी इनकम साइड की तो 90,000 रुपीज आपकी डोनेशन प्लस 4,28,000 रुपीज, 4,28,000 रुपीज आपके सब्सक्रिप्शन प्लस 56,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और 2,000 रुपीज आपके सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 5,05,000 कितना अमाउंट है 5,76,000, 5,76,000 रुपीज दोस्तों आपके इसकी जो टोटल है वो आ जाएगी। इस टोटल में से अपन हमारी एक्सपेंस साइड की जोड़ कर लेते हैं, एक्सपेंस साइड की जोड़ कितनी हो रही है
एक्सपेंडिचर साइड बोलो डेबिट साइड, 1,15,000 रुपीज आपके है ये क्या बोलते हैं उसका चैरिटी का, 38,000 रुपीज दोस्तों आपके सामने है रेंट एंड टैक्स का, 69,000 रुपीज है सैलरी का, 9,000 आपके है पोस्टेज एंड प्रिंटिंग के, प्रिंटिंग के 6,000 है एक पोस्टेज के 3,000 ठीक है, प्लस इसके अंदर दोस्तों आपके सामने 55,000 रुपीज है आपके किसका एडवर्टाइजमेंट का, और 20,000 रुपीज आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का, इधर की जोड़ हो रही है 3,06,000, 3,06,000 आपके इधर की जोड़ हो रही है, एक बार जोड़ फिर से करूंगा क्योंकि जोड़ में हमारी गलती हो जाती है कैलकुलेटर के हिसाब से, 1,15,000 गलती तो मेरे से ही होती है, दिखता मैं गलत हूँ, प्लस 38,000 प्लस 69,000 प्लस 9,000 प्लस 55,123 प्लस 20,123 अमाउंट आ रहा है 3,06,000, इनकम साइड की जोड़ बराबर होगी मेरे हिसाब से 4,28,000 रुपए प्लस 90,000 रुपए प्लस 56,000 रुपए और प्लस 2,000, इधर हो गया 5,6,000, 5,76,000 में से 3,06,000 आपके लेस हो जाएंगे, अमाउंट बचेगा 2,70,000, कितना 2,70,000 रुपीज आपके यहाँ पर अमाउंट जो बचा है, और ये पैसा आपके कहाँ चला जाएगा, 2 के अंदर अपन लिखेंगे 2 कैपिटल फंड, ये आपने लिख दिया, कहाँ चला जाएगा पैसा, डिफरेंस कैपिटल फंड के अंदर जो निकलता है हमारे बैलेंसिंग फिगर की मदद से, और जिसको आप जानते हैं सरप्लस के नाम से, क्योंकि यह है आपके सामने एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, 5,76,123 क्लियर दोस्तों आपके सामने अमाउंट। अब अपन बना लेते हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, बना लेते हैं 1 अप्रैल को जो आपके बैलेंस शीट बनाते हो उसका बोलते हैं ओपनिंग, ओपीई अनाइएनजी ओपनिंग बैलेंस शीट दोस्तों अपन यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले अमाउंट ओपन शो करते हैं हमारे कैश एंड बैंक का, कैश का भी लिखते हैं और बैंक का अलग अलग लिख देते हैं क्योंकि उन्होंने भी अलग अलग करके शो करके रखा है, आप जोड़ के भी दिखा सकते हो, 1,15,000 और 1,26,000, 1,15,000 रुपए और 1,26,000 रुपए ठीक है, ये आपके सामने हो गया। डोनेशन हिस्सा है, सब्सक्रिप्शन हिस्सा है, रजिस्ट्रेशन हिस्सा है, इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट भी, आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट है कितने का नहीं पता, इन्वेस्टमेंट है कितने का अपने को नहीं पता, लेकिन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दे रखा है कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा है कितने का, 2-30 का तो हो सकता है, करंट ईयर का ही हो, पिछले साल कोई इन्वेस्टमेंट आपके नहीं था, परसेंटेज दे होते थे तो अपन निकाल सकते थे, चलो ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर उसको भी भूल जाओ, चैरिटी रेंट सैलरी प्रिंटिंग पोस्टेज एडवर्टाइजमेंट ये वो एक्स वाई जेड सब कुछ आपके करंट ईयर का ही है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएं तो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो आपने पे किया है 1 जुलाई 2019 वाले के लिए, इसको साइड में रख दो, इंटरेस्ट अक्रूड ये भी इस साल का है, रेंट का 6,000, 9,000, 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है ये भी इस साल का, वेजेस डोनेशन को ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं क्या, अच्छा बैलेंस शीट बनानी है ना, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट आफ्टर द फॉलोइंग, सिर्फ अपने वो कैश का बैलेंस दे रखा है, एक बार देखो यार कुछ और कुछ है कि नहीं है, और कुछ है कि नहीं है, बैलेंस वीडियो मैंने दिखा दिया, डोनेशन इस साल का है, सब्सक्रिप्शन इस साल का है, लेजिस डोनेशन भी इस साल का है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इस साल का है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितने के थे आपको नहीं बताया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितने के थे नहीं बताया हुआ ना, इंश्योरेंस तो 1 जुलाई का है ना, आपने लिया 1 जुलाई 2019 को, हमारा साल 19 भी चल रहा है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि कब की इसकी जो तारीख होगी वो हो जाएगी आपके 1 अप्रैल 2019 वाली, 1 अप्रैल 2019 की, आपने इंश्योरेंस वो जुलाई में लिया है स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है ना, लेजेस डोनेशन निशाल है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल हो गया, चैरिटी रेंट सैलरी प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है यार, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ भी नहीं है, मेरे को तो बस इतना ही दिख रहा है, क्या बात है, कुछ नहीं है, चलो ठीक है, कैश और बैंक आप जोड़ो एक बार कितना अमाउंट होता है, 1 और 1 कितना होता है 2,00,000 रुपए, 1 और 1 हो गए 2,00,000, 2,15,000, 2,15,06,000 होते हैं, 2,21,000 रुपए, 2,21,20 होते हैं, 2,41,000 रुपए, 2,41,000 रुपीज दोस्तों आपकी इसकी टोटल हो जाएगी, बराबर है ना, 6 और 5 11 11 का एक हासिल लगी, 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 41,000 ठीक है, और 1 और 1 2 ठीक है, इधर भी हमारे सामने अगर अपन निकालेंगे तो कैपिटल फंड का जो बैलेंस है वो इतना आ जाएगा 2,41,123 2,41,123 ठीक है, अपन बात कर दोस्तों कैपिटल फंड आ गया, अब आप बना लो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनेगी 31 मार्च 2020 को, ठीक है क्लोजिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर भी अपन क्या शो करेंगे, यहाँ पर अपन सबसे पहले कैपिटल फंड शो करेंगे, कितना आया था 2,41,000, 2,41,000 रुपए आया था, इसके अंदर दोस्तों अपन ऐड करते हैं
प्लस करते हैं हमारा सरप्लस, जो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकाला कितना है सरप्लस, सरप्लस दोस्तों आपके सामने अपने निकाला 2,70,000 रुपए, एड कर दो 2,71,123 जोड़ो, दो दो कितने होते हैं 4,00,000, ज्यादा हो जाएगा 5,00,000 में चला जाएगा मौके, ठीक है। पीछे 3 0 है ना, तो 3 0 के 0 1 0 1 0 और 1 0, फिर आ जाएगा 1 का 1 7 और 4 कितना होता है 11, 11 का 1 आंसर लगी 1, 2 2 1 4 और 1 कितना होता है 5, 5,11,000 रुपए सही है क्या दोस्तों, एक बार जोड़ लो 5,11,000 मेरे हिसाब से सही है। 4,070 होते हैं 1,60 नहीं 1,10 और 1,10 और 3 और 2 होते हैं 2 4 5,10 5,11 सही है, ठीक है। 5,11,000 आपके कैपिटल फंड आ जाएगा क्लोजिंग के अंदर। फिर अपन कैश का बैलेंस भी शो करेंगे, कैश का बैलेंस आपके सामने कितना आ जाएगा, कैश का बैलेंस आपके सामने आ जाएगा 99,107, ठीक है 99,000 रुपीज और 1,60,000 रुपीज, कैश का भी बैलेंस और आपके सामने बैंक का भी बैलेंस है जो आ जाएगा, ठीक है ये भी आपके सामने हो गया कैश और बैंक। अपन बात करें क्लोजिंग में तो ये देखो ये कुछ भी नहीं, डोनेशन कुछ भी नहीं, सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं, लेजेसी डोनेशन का ट्रीटमेंट ये तो चलो ठीक है, लेजेसी डोनेशन कितने 1,80,000 क्या है, अपने को एक्सपेंस किया है क्या, बिल्कुल भी नहीं किया है, तो 1,80,000 दिखा दो यहाँ पर, 1,80,000 रुपए दिखा दो, किस चीज का पैसा है ये 1,80,000 रुपए दोस्तों, अपने का नया फंड बन जाएगा, उस फंड का नाम क्या हो जाएगा, उस फंड का नाम हो जाएगा लाइब्रेरी ब्लॉक फंड, ये पैसे किसके लिए आ रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, LIBRARY लाइब्रेरी फंड आप दोस्तों बनाएंगे और आपके यहाँ पर क्या रिसीव हुआ है लेजेसी यहाँ पर रिसीव हुई है, ठीक है या भाई वीडियो भी लिख सकते हैं लेजेसी फॉर लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन या फिर लाइब्रेरी ब्लॉक 1,80,000, ठीक है ये भी दोस्तों अपन ने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया, चैरिटी अपने कर दी, रेंट और टैक्स की बात करें ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, सैलरी प्रिंटिंग पोस्टेज एडवर्टाइजमेंट इंश्योरेंस, फर्नीचर दोस्तों आपने परचेज किया है 2,16,000 रुपए का, चलो दिखा दो फर्नीचर, फर्नीचर दिखा दो 2,16,123, ठीक है फर्नीचर दोस्तों आपके साथ 2,16,00,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज के 2,30,000 के ये भी दिखा दो, 2,30,000 रुपए दोस्तों आप फर्नीचर के भी दिखा दो, फर्नीचर क्या ये है आपके इन्वेस्टमेंट, ठीक है ये आपके सामने इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, फर्नीचर आ गया, इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों आपके सामने आ चुका है। हम बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने इंश्योरेंस जो आपने 1 जुलाई को लिया उसके लिए पे किया है, कोई टेंशन नहीं, कोई एसेट वगैरह क्रिएट नहीं हो रही है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो अक्रूड है वो है 11,000 रुपीज, कितना है 11,000 रुपीज है जो क्या है आपके लिए अक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है लिख दो ACC यानी अक्रूड और INT लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, अक्रूड इंटरेस्ट है 11,000 रुपीज, चलो ये भी हो गया। थर्ड वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो बोलती है रेंट के 6,000, सैलरी के 9 और एडवर्टाइजमेंट के 10,000 आपकी बाकी है, यानी आपके जो अपन लाइब्रेरी साइड की बात करें तो पैसा बाकी है आपके, एक तो रेंट का आपके पैसा बाकी है, एक किस चीज का, रेंट का है 6,000 रुपए, सैलरी का 9,000 रुपए, रेंट का है 6,000 रुपए, 6,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग है, सैलरी का आपके सामने है 9,000 रुपीज बाकी है, और उसके बाद में आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बाकी है आपके 10,000, 6,000 9,000 और 10,000 रुपए आपके ये आउटस्टैंडिंग मार्क पर चलेगा, ठीक है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है आप यू समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है आउटस्टैंडिंग है यानी कि आपकी एक तरीके से लाइबिलिटी है, मेरे हिसाब से सारी चीजें हो गई, मेरे हिसाब से तो सारी चीजें हो गई है, जैसे का तुमने दिखा दिया यहाँ पर सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पर, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ आ गया, ठीक है जोड़ कर लो मेरे हिसाब से बैलेंस शीट आपकी जो मेन है वो हो जाने चाहिए। सबसे पहले जोड़ करते हैं एसेट साइड की, 99,000 आपके सामने कैश बैलेंस प्लस 1,60,000 बैंक का बैलेंस प्लस 2,16,000 रुपए आपके सामने फर्नीचर का बैलेंस प्लस 2,30,000 रुपए आपके सामने इन्वेस्टमेंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है प्लस आपके सामने 11,000 रुपए आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट, टोटल हो जाएगी 7,00,000 रुपीज, 7,16,000 रुपए दोस्तों आपके इसकी जोड़ वो हो जाएगी। यही जोड़ अपन करें हमारे लाइबिलिटी साइड की तो एक बार देख लेते हैं क्या मामला है, 5,11,000 रुपीज प्लस इसमें करते हैं अपन 1,80,000 रुपीज प्लस इसके अंदर दोस्तों अपन करते हैं हमारे 6,000 रुपीज प्लस इसके अंदर करते हैं 9,000 रुपीज और प्लस इसके अंदर करते हैं आपके 10,000। क्या बात है दोस्तों हमारा जीवन एक बार फिर से सफल हो गया, बधाई हो बधाई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। 7,16,000 रुपए आपकी बैलेंस शीट जोड़ आ चुकी है और दोनों बैलेंस शीट एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमारी मैच हो चुकी है। स्माइल किनिन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में स्माइल का इमोजी होगी मेरे पास शायद, देखता हूँ है क्या, ये हो गया
क्या बोले हमारे दोस्त के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है विच साइट का, हमारे दोस्त ने पूछा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ आता है। तो देखो बात आती है अगर आउटस्टैंडिंग की, बात आती है अगर आपके आउटस्टैंडिंग की, तो ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग दो प्रकार के होते हैं। बात आती है आउटस्टैंडिंग की, तो आउटस्टैंडिंग आपके दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक आपके सामने होती है आउटस्टैंडिंग इनकम, एक आपकी होती है आउटस्टैंडिंग इनकम, और एक आपके सामने होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर कहीं पर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तब तो आप उसको शो करते हैं आपकी एसेट साइड, क्योंकि दोस्तों आप उसे जानते हैं एक तरीके से अक्रूड इनकम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अक्रूड इनकम के नाम से भी जानते हैं। और अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो आपकी दोस्तों क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है, यानी कि ये वो अमाउंट होता है जो आपके पेबल होता है, जो आपको फ्यूचर में पे करना है, इसलिए आप लाइबिलिटी साइड में आ जाता है। ठीक है ना? बस दोस्तों अभी अभी अपन ने हमारे जो पीछे के सवाल सीरीज है उसका एक क्वेश्चन अपन ने किया है। जो हमारी सीरीज चल रही है डेली अपन या फिर हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने इस वीडियो में भी अपन ने एक क्वेश्चन है जो कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अनअकैडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर लेकर आता है, तो दोस्तों उनका सब्सक्रिप्शन जरूर जरूर लीजिएगा। एडिशनल मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और आपको यंग कोडर्स का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मिल रहा है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आज डाउनलोड करें, कोड यूज करें सचिन असली। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस हमारी इस सीरीज के, हमारे पीछे के सवाल सीरीज के, अभी तो चल रहा है सिर्फ एक चैप्टर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा सचिन पारिक। दोस्तों आपके लिए सिर्फ यही नहीं, बाकी के जो चैप्टर्स है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, रेशियो एनालिसिस हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी हो, सभी क्वेश्चंस के अपन पीछे के सवाल सीरीज लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, bye bye, take care and let's crack it. Unacademy, let's crack it. Unacademy.